नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। इस कार्यक्रम में हम उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जो सुर्खियां नहीं बटोर पाती। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है भव्य रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग किया जाएगा स्थापित। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में होगा माँ बिजासन मंदिर का पुनर्निर्माण, चलाया जाएगा धन संग्रह अभियान। अब सोमनाथ मंदिर में भी बिकेंगी गीता प्रेस की धार्मिक किताबें, हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में मिलेगी किताबें। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में बदला दर्शन का समय, ग्रीष्म ऋतु के अनुसार चढ़ाए जाएंगे भोग। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन बनकर तैयार, मोक्ष कामना के लिए बुजुर्गों के रहने की होगी व्यवस्था। आइए अब सुर्खियों के बारे में जान लेते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस भव्य विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी। साथ ही इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का भी निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मां बिजासन मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मंदिर का निर्माण जन सहयोग से होगा, इसके लिए धन संग्रह कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार भी बढ़ेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी अब गीता प्रेस की पुस्तकें बिकेंगी। सोमनाथ मंदिर प्रबंधन द्वारा गीता प्रेस को परिसर में ही स्थान उपलब्ध कराया गया है। यहां हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी धार्मिक किताबें मिलेंगी। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदल गया है। अब यहां पर ग्रीष्म ऋतु के अनुसार ठाकुर जी की वंदना और भोग चढ़ाए जाएंगे। मंदिर के कपाट सुबह 7:45 बजे खुल जाएंगे और रात में 9:25 बजे पर शयन भोग आरती होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा छोर पर 2 मंजिला मुमुक्षु भवन बनकर तैयार हो गया है। इसमें मोक्ष कामना वाले 36 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था होगी। इसके लिए मेडिकल बेड लगाए गए हैं। बुजुर्गों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्थित गोरखगिरी पर्वत को सजाया जा रहा है। जनपद महोबा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखगिरी पर्वत की चट्टानों पर रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि गुरु गोरखनाथ ने इसी पहाड़ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। कश्मीर में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन में इस वर्ष 60 किस्मों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। आने वाले सैलानियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र होगा। पानी की चुनौतियों को देखते हुए CSSRI और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र दिल्ली के वैज्ञानिकों ने सिंचाई के लिए एक नई तकनीक बनाई है। इस तकनीक से धान की खेती में 50% तक पानी की बचत की जा सकेगी। इससे फसल की लागत भी कम होगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन को हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन 3 वर्षों के लिए किया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां अब तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर व्यवस्था की जाएगी। सुर्खियों से भरे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।